कर दे। करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दिस इज योर बॉय निखिल जोतवानी। भाई आज न्यू व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आधे रास्ते के साथ। आधा रास्ता मतलब हम लोग जा रहे हैं क्लब, और वैसे हमेशा तुम्हारा भाई बोलता है कि आज मैं एंट्री करा रहा हूँ या वो हो जाएगा फ्री में कहीं डेबो वेबो जाते हैं। आज जा रहे डेबो, बट मेरी कोई गारंटी नहीं है, भाई की गारंटी है। बाल क्यों बना रहा है? अच्छा, वैसे भी बेकार ही लग रहा है। तो भाई आज इसकी गारंटी है, अगर इसने एंट्री नहीं कराई तो कमेंट्स में इतनी गाली देना। हाँ बस आज ये एंट्री करवा रहा है, मेरा कोई सीन नहीं है, गाड़ी भी नीरज की है, मेरा कुछ भी नहीं है। बट अपन करेंगे एंजॉय फुल, आपको दिखाएंगे सैटरडे कैसे मनाते कैसे नहीं। बाकी कल प्रैंक वीडियो शूट करने वाला हूँ, और वो शूट तो कर लूंगा लेकिन अपलोड पता कब करूंगा, जब ये वाले ब्लॉग में प्यार दिखाओ, क्योंकि लास्ट दो ब्लॉग में बिल्कुल प्यार नहीं दिखाया। भाई दिल खट्टा हो गया भाई, तुम लोग से मजा नहीं आया, डिमोटिवेट हो जाता बंदा। भाई प्लीज फटाफट आगे ये वाले ब्लॉग में प्यार दिखाना, तब जाके वाला ब्लॉग अपलोड करूंगा मैं। ब्लॉग नहीं एक्चुअली वीडियो होने वाला है, वो प्रैंक या तो चैलेंज वीडियो होने वाला है। तो जाओ इस पे पहले लाइक करो, कमेंट करो, उसके बाद ही वाला वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं तो वीडियो अपलोड ही नहीं करूंगा। ओके तो चलो क्लब का सीन दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी यहाँ से हमने क्रिस्पी चिकन हाँ ओके ओके चिली चिकन मंगवाया, क्योंकि भूख लग रही है जिम के बाद सिर्फ और सिर्फ अंडे खा के। पाँच प्लेट में दे भैया, प्लेट में देंगे ना, और कहा हाथ में लोटी देंगे, यही खाएंगे भैया, यही खाएंगे। डाइन इन इंग्लिश बंदा है भाई वो। सो यहाँ चिली चिकन खाते हैं फटाफट, डेबो के 5 मिनट का रास्ता है सिर्फ, 5 मिनट में पहुंचते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा कैसी है। बहुत टाइम बाद डेबो जाएंगे, फुल एंजॉय करेंगे। ओके बाय। एंट्री नहीं कराया तो भाई, ये क्या चिली चिकन है ना? चिली चिकन लिया भाई से, बता दूं कैसा है भाई, टेस्ट बता दूं कैसा है खा के। सही है भाई, सही है बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट के पहले है बंदा, क्या नाम है इसका, ओम साई रोल्स एंड चाइनीज, बढ़िया भाई जबरदस्त। वही मेहनत है भाई, भगवान के नाम पे चिकन बेच रहा है, जान देना भाई, पैसा कमा रहा मेहनत से। अच्छा है लेकिन जबरदस्त, एकदम सॉफ्ट है चिकन। भाई पीयूष गया बाहर फटाफट, उसको पैसे देने गया है, 8-10 पीस बचे हैं, देख लो जितना हो सकता है खा लेता हूँ। जबरदस्त, मैं कभी तारीफ नहीं की ऐसे स्ट्रीट फूड की, बहुत बढ़िया, मजाक सट के बोल रहा हूँ। बाकी भाई डेबो जाते हैं, एंट्री लेते हैं, एंट्री हो जाए भगवान की दया से, क्योंकि भाई पीयूष ने एक से बात किया है, जुगाड़ उगाड़ लगाया है भाई, जुगाड़ लगाना पड़ता है क्योंकि हमारा बंदियां नहीं है, पता है इसलिए मैं बोलता हूँ भाई जुगाड़ लगाया। अगर बंदियां होती ना तुमको हर सैटरडे ना ऐसे टशन से घुसता था अंदर पार्टीज के अंदर, पर बंदियां है ही नहीं, तुम लोग को यही प्रूफ दे सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं दे सकता हूँ, कोई बंदी नहीं भाई, इस शक्ल के ऊपर मत जाना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी है दिखावे की। बंदियों के मैसेज बहुत आते हैं बट बंदी किसी से हम बात नहीं करते, नहीं तो अगर बंदी रहे ना हर बंदी के साथ सैटरडे डेबो जा सकते हैं, पार्टी वार्टी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट है, क्या दिक्कत हो गई तू भैया ना, बंदियां बहुत है तेरे हिसाब से, मैं यही बोल रहा हूँ बंदियां बहुत है बट अपन सामने से बात नहीं करते उन लोगों से, सीधी बात है ना भाई, का बहुत ज्यादा है लेकिन हमको खुद को पसंद नहीं है बात बात करना भाई, वो सर पे बैठ जाती है भाई, फिर वो ये वो अपने को प्यार व्यार होता नहीं है, क्योंकि प्यार सिर्फ एक से होता है, इतना समझना, प्यार सिर्फ एक से ही होता है भाई, दोबारा प्यार नहीं होता, दोबारा सिर्फ अट्रैक्शन होता है। हाँ प्यार दिल से करेंगे तो गांड ही मारेंगे, सीधी बात है। तो वही तो बोल रहा हूँ, एक ही बार प्यार होता है, सिर्फ एक ही बार होता है, दोबारा किसी से होता ही नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ बस अपनी जरूरतें पूरी हो रही है, या तो दूसरी बात अट्रैक्शन होता है और कुछ नहीं, प्यार सिर्फ एक ही बार होता है गाइस, जिसको लग रहा ना कि तुम आज इस बंदी से रिलेशनशिप में, दूसरा तुम उसके साथ, बस तो अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है, वो तुम अपनी बस एडजस्ट कर रहे हो लाइफ में, प्यार एक ही बार होता है, इतना याद रखो। बाय।
मुझे प्यार हुआ था इकरार। सो गाइस अभी देखो बाहर बारिश हो रही है इसलिए बाहर बात नहीं कर पाया, फटाफट निकाल रहे थे तो बहन भी नहीं निकाला, फट से आया गाड़ी में बैठने की, बहुत बारिश हो रही थी क्योंकि जो उनका जो वो है ना बैकयार्ड वहां पे पूरी बारिश हो रही थी, मैं फटाफट कार में आ गया। बाकी देखते हैं भाई अभी कहाँ जाते हैं क्या नहीं, बाकी मजा सेक्सी भाई। डेबो इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड हैपनिंग क्लब मेरे हिसाब से, नागपुर में कोई और क्लब नहीं है जहाँ पे मेरे को मजा आता है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है एंड क्लबिंग है, बट नागपुर की एक चीज बेकार है, यहाँ पे 1:30 को सारे क्लब्स बंद हो जाते हैं, ये सीन दिक्कत है। जैसे आउट ऑफ दिल्ली मुंबई में होते हैं सुबह 4-5-6 बजे तक, यहाँ पे 1:30 बजे बंद हो जाते हैं। बाकी देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, आपको दिखाते हैं। बारिश पड़ रही है, रुकी तो कहीं जाते हैं, नहीं तो मिलते हैं कल। ओके अभी जाते हैं कुछ खाने, और खाने के बाद बारिश नहीं पड़े तो घूमेंगे, नहीं तो घर चलेंगे, मिलेंगे आपसे कल। ओके लग जाएंगे दवाई कहाँ पे, अशोक चौक तो याद ही नहीं रहेगा, देखो याद हो गया क्या जो हाँ बोल रहा है भाई, दवाई लेने जा रहे हैं ये उसको मशान है। तुमने देखा क्या यार में क्या हो रहा था, ओ भाई कपल मान जाने बातें करा लोटा, ये असली है ये लोटा, हमको क्यों नहीं मिलती है ले ले रही, अब यहाँ तो फिटनेस गैरेज। वो रास्ता किसने बोला, रास्ता कौन सा था बता, मैं देखो बता दो गूगल मैप पे डाल दूँ। ये दवाई है यहाँ पे, दवाई की दुकान बताओ ना सीधा चालू होगी ना। ओके बड़ बंद है ना इस पार्टी के बाद, अगर फार्मेसी है तो समझ चल क्या लेना है भाई, किसी को नीड है जरूरत है। हाँ तो हाँ इसके पप्पू को नीड है नहीं गाइस क्रोसिन लेना है, क्रोसिन पहुंचानी है अर्जेंट में, क्योंकि हम बक चोरी वगैरह तो कर लेते हैं बट हेल्प भी कर लेते हैं, तो हर बंदे की कर लेते हैं। अब क्रोसिन दिखाता हूँ गई से कहीं से लेके, या पैरासीटामोल गई से 500 रुपये में हेल्प मिली थी क्लब में, 500 रुपये में सोचो, यहाँ पे 60 रुपये की मिलती है। तो भाई देख लो गोली वोली ले रहा है, बाल तो गलत मत समझना, और पैरासीटामोल है ठीक है, तो तुम लोग समझोगे कि पार्टी के बाद पीयूष कहाँ काम घुमा रहा है, सब कुछ भी साले कुछ भी नहीं है, पीयूष गोली ले रहा है, पीयूष की तबीयत खराब हो गई है ठीक है, बस अभी जा रहे घर, एक घंटा लग गया गोली ढूंढने में, पूछ लो खाना भी नहीं खाया तेरा करता है चिल, जाने दे मैटर जो कल के थे, माँ जुदा गई दुनियादारी, भाई तेरा लाइफ ले रहा हल्के में, अभी